नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वार्यारम नमो वज्जायारम नमो भूयेशावसाहूरम शुद्धात्मान्मनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाचो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अवर्गाय भव्यानाम शुद्धये स्वात्मने पुने भक्ष्ये नियम सारस्य भक्तिम तात्पर्य संगता ओम नमः। फैलाव में असुरक्षा है, समेटने में सुरक्षा है। कोई चीज बिखरी पड़ी हो, कोई समेटो इसको, बाउंड्री कर लो, ताला लगाओ। सीमा में सुरक्षा है, सीमा के बाहर असुरक्षा है। लोक में भी यदि कोई व्यक्ति अपनी सीमा में रहे तो कोई सुरक्षा असुरक्षा की बात ही नहीं। अपनी सीमा में असुरक्षा तब है जब सीमा के बाहर जाए, सीमा का उल्लंघन करे असुरक्षा, और सीमा के भीतर आ गया सुरक्षित हो गया। ये प्रयोग चाहे मोक्ष मार्ग में करें चाहे लौकिक में करें। लौकिक में भी अपनी सीमा में रहें, सुरक्षा अपनी सीमा में भूलें, अपनी सीमा में व्यापार करें, अपनी सीमा में व्यापार व्यवहार करें। और अगर असीमित व्यवहार होगा तो असुरक्षा, अपनी असुरक्षित व्यापार होगा तो असीम व्यापार, पता ही नहीं कहाँ का असुरक्षा है। आपको काय की असुरक्षा माने अपने परिणाम की असुरक्षा। लोक व्यवहार में अपने स्वास्थ्य की असुरक्षा, अपनी संपत्ति की असुरक्षा, अपने जीवन की असुरक्षा, असुरक्षा ही असुरक्षा। सीमा का उल्लंघन करते आपस, नियम का उल्लंघन करो, कानून का उल्लंघन करो, असुरक्षा है। और नियम का पालन करो तो सुरक्षा है। बहुत से लोगों को बहुत से नियम ये समझ में नहीं आता, ये हमारी सुरक्षा के लिए। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझा हो, बंधन हो। लेकिन शांति से विचार करो, कौन सा नियम हमारी असुरक्षा के लिए है। जब शांति से विचार करेंगे तो सारे नियम हमारी सुरक्षा के लिए होंगे। और नियमों का अनुशासन का उल्लंघन करेंगे स्वास्थ्य सुरक्षा है बस। खत्म। हमसे कोई पूछे नहीं कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्यों कर रहे, असुरक्षा। अगर हमसे कोई पूछता है तो ये हमारी सुरक्षा है। हम गलत जगह नहीं जा पाएंगे, गलत काम नहीं कर पाएंगे, हम कुछ करें कोई पूछे नहीं। ये स्वच्छंदता है। इस स्वच्छंद जीव को ऐसा लगता है नियमों के पालने में बंधन लगता है। अमिथ्या तो क्या है, जिसको हम बंधन समझते हैं वो हमारी सुरक्षा है। गुरुओं का अनुशासन बंधन नहीं है, ये हमारी सुरक्षा है। और हमें लगता है ये बंधन है। अब बताओ 5 बजे उठना पड़ेगा, अरे तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के नियमों की पालन करना चाहिए।
व्यापार के लिए व्यापार के नियमों का पालन, निशांग ही बैठे। मतलब हम दो शब्द बोलते हैं, एक तो नियमित, एक सीमित, एक नियमित, बस काम खत्म। नियम सीमित भी रहना चाहिए। और जो अनुव्रत व्रत आदि हैं वो सीमा ही है, एक तरह की सीमा। जब तक पूर्ण अहिंसा न पल पाए, पूर्ण हिंसा न छूट पाए, तब तक भी संकल्पी हिंसा का त्याग, सीमा कर ली हमने। सीमा क्या कर ली कि बिना प्रयोजन के हम कार्य नहीं करेंगे, बिना प्रयोजन किसी जीव को नहीं मारेंगे। अब कोई हमारे देश पर आक्रमण करता है, मंदिर पर आक्रमण करता है, सील पर आक्रमण करता है, संपत्ति पर, तो हम प्रतिकार करेंगे। मरता हो मर जा, विरोधी हिंसा है, ग्रस्त की भूमिका में। लेकिन जब तक ग्रस्त की भूमिका है तब तक भी सीमा करी। केवल परिग्रह माने धन की ही सीमा नहीं, परिग्रह माने अकेला धन ही नहीं होता, भोग और उपभोगों की सीमा की है जिनागम। भोग और उपभोग ममत कर, नियम कर ममत निवार है। भोग और उपभोग नियम कर ममत निवार है। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य की, ये चरण योग में खान पान, ये सब स्वास्थ्य की सुरक्षा देख लो आप। ये है एंटीबायोटिक, नियम। आप अपने पद के अनुकूल देखो, हर चीज की सीमा की, वस्त्रों की सीमा, धन की सीमा, व्यापार की सीमा, भोगो भोग, घर की मकान की सीमा, माने हर चीज की सीमा। सीमा से बाहर कौन सुरक्षित है बताओ आप? सीमा से बाहर कोई भी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं। और सीमा में सब सुरक्षित है। उस दिन कहा था भाई, अपनी सीमा में रहने के लिए, अपने सीमा में कार्य करने के लिए सब स्वतंत्र है, लेकिन सीमा के बाहर, सीमा का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र नहीं। वहीं फिर उल्लंघन करोगे सीमा का, तो मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी संकट पावे। निज मर्यादा में आते ही संकट सब ही, बंधन सब ही, हाँ बंधन सब खत्म हो गया, अब कोई बंधन। और अचेतन अचेतन रूप रह करके अपना परिणमन करते हैं, चेतन चेतन रूप रह करके अपना परिणमन करते हैं। यदि प्रकृति में देखें, वस्तु स्वभाव को देखें, तो कौन अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता बताओ? वो सूत्र तो आपको याद तो है ही, प्रयोग नहीं करते। अनादि निधन, आजकल कल परसों नहीं, अनादि निधन। कब से कब तक कोई हिसाब किताब नहीं, अनादि निधन। वस्तुएं एक वस्तु नहीं, वस्तुओं का अर्थ अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, संख्याते काल द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमते हैं। जो ऐसा नहीं मानते वे दुखी होते हैं, जो ऐसा मानते हैं उनको कोई तकलीफ, ठीक है। क्या शब्द लिखा? मर्यादा लिए हुए परिणमते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। और अधीन करने का भाव करोगे तो
तुम स्वयं अधीन हो जाओ। एक दृष्टांत छोटा सा दिया था, बताओ अगर किसी से कह दो कि देखो 2 बजे ये अमुक काम करेंगे, हम 2 बजे मिलेंगे, तो आप भी तो 2 बजे के लिए बंद गए कि नहीं बंद गए? आपको वहीं बैठे रहना पड़ेगा। आप कहां स्वतंत्र, आप चले जाओ, ये कोई बात नहीं। सामने वाले को 2 बजे बांध लिया तो आप भी 2 बजे के लिए बंद गए कि नहीं बंद गए? बंधा हुआ मानने वाला, बंधा हुआ देखने वाला बंधन, वो स्वयं बंधता है, स्वयं बंध रहा है। समयसार जी में कैसी सुंदर गाथा, मूल गाथा लिखी, सदृष्टि को आश्रम नहीं, सदृष्टि को आश्रम नहीं, तो आश्रम ही नहीं तो बंद कहां से होगा? सदृष्टि को आश्रम नहीं, क्या मतलब हुआ? अगर तुम्हें आश्रम इष्ट नहीं है तो सदृष्टि प्रकट करो, अपनी सदृष्टि से देखो या द्रव्य दृष्टि से देखो तो तुम्हारे भीतर आश्रम का अभाव है, कहां आश्रम? सदृष्टि को आश्रम नहीं। और तुम्हें लगता है कि बिना सदृष्टि के हमारे आश्रम का अभाव हो जाए? नहीं होगा, असंभव। और आश्रम कैसे है? दुखकार घनेरे, तो फिर आप समझ लो फिर दुख होगा, घना दुख होगा। घने मोही घने दुखी, जैन शासन का सूत्र को समझना, ग्रस्त जीवन की बातें कर रहे हम भैया। छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, संस्कारित परिवार सुखी परिवार है। संस्कारित होना चाहिए। भाजपा की संयुक्त परिवार कितने कितने होते थे, 10-10, 20-20 लोगों के परिवार रहते, कहां क्लेश? क्लेश तो तृष्णा में है, क्लेश तो कसायों में है, क्लेश का कारण कसाएं हैं, और कसायों का कारण अज्ञान है। छोटा करने से काम चलेगा? संस्कारित, एक कमीज आपको बना है तो छोटी कमीज करने से काम चलेगा कि सही कमीज करने से काम चलेगा, बताओ? कितना ही छोटा छोटा कवर, कबल कहते संस्कृत, कबला हार होगी, कबल कौर, कितने छोटे छोटे कौर बना करके खाओ, सीधे निकलो तो क्या होगा? चबाओगे कि नहीं चबाओगे? उन छोटे छोटे कौरों को भी अगर सीधे निकलोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। संस्कारित परिवार ही नहीं, संस्कारित व्यापार भी होना चाहिए, संस्कारित व्यवहार भी होना चाहिए। संस्कृत जिसको कहते संस्कृत में, संस्कृत माने संस्कारित किया गया, इसका संस्कार कर दिया गया, शोधन किया गया है जिसका, जिसमें से मैल को विकार को अलग कर दिया गया। गंदगी को अलग कर दिया गया, छिलके को अलग कर दिया, चाहे वहां से अलग करो चाहे यहां तुम स्वयं अलग करो, अलग तो करना पड़ेगा। आयुर्वेद की उस पुस्तक में लिखा कि भैया देखो
जैनियों की दोहरे छन्ने से छान करके पानी पीने की जो पद्धति है वो बहुत अच्छी है। जो प्रासुक करने के करके पीने की पद्धति है वो और भी अच्छी है। वहां तुम्हारे भले शरीर पर ध्यान नहीं है, जीव रक्षा का प्रयोजन है, लेकिन तुम्हारी स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं ही हो जाती है। हमारे घर में कुत्ता ना घुस पाए, बंदर ना घुस पाए, और तो और अब तो भाई मच्छर जाली लगा दो मच्छर ना घुस पाए, लेकिन हमारे घर में व्यसन भी नहीं घुसना चाहिए, ये सोच लो। ये ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे घुस जाते, पता नहीं पड़ता क्या हो गया, हम कहां से कहां पहुंच गए। समझ में आई रक्षा क्या? पापों से अपनी रक्षा करो, पाप के परिणाम स्वप्न में भी ना आ जाए, कषायों के परिणाम ना आ जाए। जैसे कहते ना भैया ये रख देना, सुरक्षित रख देना, मतलब कहीं बिगड़ न जाए, गिर न जाए, टूट न जाए, फूट न जाए, ऐसे हमारा कोई नियम टूट न जाए, हमारे परिणाम बिगड़ न जाए। इनकी सुरक्षा आपने पढ़ा होगा, शील एक उत्तम, बल्कि उत्तम से उत्तम रत्न है। उस शील की रक्षा के लिए आचार्यों ने नौ नौ बाणों से उसकी रक्षा की। कोई कीमती चीज चाहे कहीं नहीं छोड़ देते, उसको तिजोरियों में रखते, भीतर कमरे में रखते हैं तिजोरी भी। ऐसे शील की रक्षा नौ नौ बाणों से की है। टटोलो टटोलो भाई हम क्या कर रहे हैं, रक्षाबंधन पर राखी बांध दी हो, मिठाई खा ली, पैसा दे दे होगा रक्षाबंधन, खीर बनवा लो, उसी में ही बना ले, कोई ये तो ठीक है, इनमें क्या दम है। मूल में सुरक्षा, तुम्हारी किताब में छोटी में लघुबोध कथम है रक्षाबंधन की कोई कहानी? लड़के लड़की साथ में पढ़ रहे हैं, उनमें उसने अपनी छेड़ दी चिंगारी, लड़की सचेत थी, शीलवान थी, उसे अपनी युक्ति से उसने बचाव किया अपना, घर पहुंची। फिर क्या किया उसने, उसी नगर में थी लड़का, तो उसकी बहन से मिली, लड़की की बहन, वो लड़के की बहन से वो मिली लड़की, और लड़के की बहन से कहा ऐसे ऐसे। अच्छा, उसका विवाह हो चुका था मालूम है आपको। रक्षाबंधन का पर्व आया, बहन भाई को ले, वो भाई को उल्टा क्या कह रही है, बहन को भाई लेकर के घर आ गया। ठीक है भाई, रक्षा करने का मतलब क्या है? राखी ऐसे थोड़ी राखी बांधेंगे, सबको बहन बराबर समझने की नियम करो तब राखी बनेगी। हम नहीं बांध रहे राखी, बुरा लगा रोता रहा कि क्या ये कहते, थोड़ी बात हम, बात तो सही कह रही थी, बात तो सही कह रही। उसको भी बुलाया, वहां किया राखी बन गई। राखी का मतलब क्या है? अरे सील की सुरक्षा। सील की सुरक्षा, अपने नियमों की सुरक्षा,
धर्म एक अमूल्य रत्न है, रक्षा करने योग्य है। प्राण चले जाए तो चले जाए, कोई बात नहीं, प्राण तो वैसे ही जाने, उसमें क्या दामधनी। ए धन वैभव ये जाना है, चला जाए। अच्छे व्यापारी, ईमानदार व्यापारी अपनी साख को बचाने के लिए कितना नुकसान झेल लेते। साख है तो सब है, नहीं साख है तो राख हो गई, फिर क्या अब का करना है, अब का व्यापार करोगे। गोदाम में माल नहीं है, और नहीं है तो, और माल था आग लगा दी, नहीं माल नहीं है तो सत्य की रक्षा। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरलतम योग अपने देख निर्मल आरती। विपरीत वातावरण से बचाते हैं, अनाज की रक्षा के लिए क्या करते हो आप बताओ, संपदा की रक्षा के लिए क्या करते हो, वहां हरे वस्तु की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते हो आप, उपाय करते हो, योग्य उपाय। तो ये बताओ अपनी परिणामों की रक्षा के लिए क्या करते हो आप, वैसे ही विपरीत वातावरण से बचाना चाहिए। वहां लौकिक में, यहां शास्त्रीय शब्द बोलो, विपरीत निमित्तों से भी बचो। मोह के अभाव के लिए मोहियों की संगति से भी बचो, और अगर बच न पाओ तो वहां बहुत सावधान रहो। आप ऐसा करते हो बताओ, अपने घर में किसी व्यसनी को घुसाते हो, नहीं घुसाते, और ट्रेन में यात्रा करने जाते हो, जाते हैं, और वहां बगल में रिजर्वेशन किसी का हो जाए तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे आप, अब बैठ करके जाना है, लड़ने से भी काम नहीं चलेगा। ट्रेन में जब जाते हैं तो विपरीत संगति अगर मिल जाए तो कितने सावधान रहते हैं। ये भी जीवन यात्रा है, प्रति समय सावधान। क्या लिखा है सामने, भयभीत कभी नहीं, सावधान सदैव। भयभीत कभी नहीं, लेकिन सावधान हर समय रहना चाहिए। श्रोता रहे सावधानतया श्रणवंतु। उपदेश देने से पहले आचार्य भगवंतों ने सावधान किया, सावधान। प्रार्थना से पहले सावधान करते हैं, सावधान। सावधान का मतलब क्या है, चारों ओर से उपयोग हटा करके एकाग्र कर लेना चाहिए। जब सावधान बोल दिया सावधान, तो कोई ऐसे बैठे, कोई बैठे बैठे कोई बातें करे, सब एकदम। अब कहा श्रोता रहे सावधानता श्रणवंतु, क्या अर्थ हुआ भैया, सावधानी से सुनना, कान खोल करके सुनो। लौकिक में कह देते हैं कैसे सुनोगे, क्या सावधानी भैया, सुनते सुनते ज्ञान नहीं होगा, सुन लो सावधानी से। तुम सुनते ही रहो और बस पियत रहो चुपचाप, अपनी अटकलों से समझ ले कि हमने सब समझ लिया, हम सब समझ गए। सुनते सुनते अकेले ज्ञान नहीं होगा। सुनना और पढ़ने के बाद कुछ आगे लिखा है, ये वाचना नाम का स्वाध्याय, उसके बाद क्या लिखा, प्रश्न जब तक समझ में नहीं आया सो पूछोगे नहीं,
और जो समझ में आया सो बताओगे नहीं सर, मैंने कॉपी चेक नहीं कराओगे तब तक आप पढ़ाई क्या करोगे। स्कूल में बैठ गए अध्यापक पढ़ा रहा है, हम अपने लिख रहे हैं, कॉपी तैयार है हमारी, तैयार तो है लेकिन इतने बुद्धिमान कब से हो गए, कम से कम उस कॉपी को चेक तो कराओ। अपने इस ज्ञान को मिलाओ तो सही, हमने क्या समझा है। नहीं समझ में आया तो पूछना, और समझ में जो आया है तो पूछना है कि सही समझा है कि गलत समझा है। उसके बिना ज्ञान नहीं होगा, आपको जिंदगी भर पढ़ रहना सुनना और बस समझ लेना, हम सब समझते हैं। और कितना अभिमान लोगों को हो जाता है, अब क्या कहें हम, ऐसे तुम हो तो तुम अपना दोष दूर कर देना, हम समझते तो सब है बोल नहीं पाते, समझे तो सब है हम, जिस समय प्रश्न सुनते उस समय पूरा समझ में आता है पूरा, और फिर भूल जाते हैं। अरे वाह, पूरा समझ में आ जाता फिर भूल जाते। अभिमान की मात्रा देखो कहां बोलता है अभिमान, हम समझ तो सब है लेकिन क्या करें बोल नहीं पाते, आपके सामने नहीं बोल पाते, बिल्कुल ठीक है, काय को बोल पाते, अज्ञानियों ने मूरन में बोलते बात हो चाहे कुछ बोलो, वहां कौन कहने वाला है कि ये गलत है कि सही है, जी टोक देंगे। तो यहां डर लगता है बोल नहीं पाते, आपके सामने नहीं बोल पाते, अज्ञानियों ने तो खूब बोल पाते, ये समझने के ढंग है। आपके सामने नहीं कर पाएंगे, पीछे हम कर लेंगे काम, काम हम सिर्फ कर ले रहे लेकिन आपके सामने नहीं कर पाएंगे। हाँ पीछे क्या गलत करोगे सही करोगे क्या करें, और गलत को सही माने बैठे हम सही गए। भैया मिथ्यात निकलना बहुत कठिन है, मिथ्यात का निकलना बहुत कठिन है, विपरीत मान्यताओं का। तुम सुनते सुनते समझना चाहते हो नहीं समझोगे, श्रोता रहे सावधानता सुन बंतु है, सुन सुन करके ही हम सब समझ जाएंगे, नहीं नहीं समझ पाओ। जो समझ में आया उसको भी प्रमाणित करो, और जो समझ में नहीं आया उसको भी पूछो तब समझ पाओगे। अभी थोड़ा ही समझ पाओगे, ये तो दूसरी सीढ़ी चढ़ पाए हैं, तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे कैसे चढ़ोगे के हैं, फिर उसका अंतरंग में बारंबार विचार करोगे। पूछ रहे ये निजरा निजरा भावना में क्या अंतर, अरे भावना कहते बारंबार विचार करने को, संसार की अनित्यता का बारंबार विचार करो, संयोगों की असरणपने का बारंबार विचार करो, गाने के कलाकार मत बनो, बारंबार विचार करो। कब तक, जब तक अनित्य से दृष्टि हटकर उपयोग हटकर नित्य में लीन न हो जाओ, असरण से उपयोग हटकर के शरण में मत उपयोग लीन न हो जाए, तब तक बार बार विचार करो। भावना का अर्थ होता है बारंबार विचार करना, और कितना विचार करना, क्यों साहब कितनी कुटाई करना चाहिए इसकी, कि वो रस और वो चूर्ण है वो एक में एक हो जाए, भावना क्या भावना का अंतर है। मैंने शेख चिलियन जैसी बातें ऊपर ठड़े और आए गए 10 मिनट 5 मिनट बस हम सब समझते हैं, हम सब समझ जाएंगे, इतनी सरल बातें हैं। अरे भाई अनादिकाल की परिचित कलाओं को भी परिचित विद्याओं को भी सीखने के लिए बरसों अभ्यास करने पड़ते हैं, स्कूलों में कोचिंग में और उसमें सब में करने पड़ते हैं कि नहीं, और ये अनादिकाल का अपरिचित तत्व है उसको तुम वैसे ही मस्करी में ही करना चाहते हो, अभिमान से सीखना चाहते हो, दोष का प्रायश्चित करना चाहते हो, और पहुंच गए महाराज बोलो, अगर किसी को ये दोष लग जाए तो
अगर किसी को लग जा हम थोड़े, हम शर्म आते, हम कैसे कह दे कहूं इन्हें भगा दो। तो तुम्हें आचार्यों के अवपीड़क, आचार्यों के अपरिश्रावी, आचार्यों के बात्सल्य गुणों का कुछ खबर नहीं? बात्सल्य इन गुणों की कुछ खबर है? जब उसको पूछोगे, बारंबार विचार करोगे और फिर मिलाओगे, जो विचार करने पर निर्णय, फिर मिलाओ और मिला करके फिर उसका प्रयोग करोगे, तब ज्ञान की विधि बनेगी। अकेली ऐसे ही सुनते 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 जिंदगी बस श्रोता ही बनी रहो, और श्रोता भी नहीं बन पाए, जिंदगी भर श्रोता बने रहे और श्रोता भी नहीं बन पाए। भैया ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है, उपयोग तुम्हारा जब भीतर ढलेगा अपनी ओर आएगा। अपस्वरूपावलंबन भावेण क्या मतलब है? तब ज्ञान प्रकट होगा और अज्ञान का परिहार होगा, ये है। तब अज्ञान का परिहार और ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब तक ये विधि नहीं बनेगी, स्वावलंबी नहीं हो, नहीं मिटेगी भाई। आत्मस्वरूप के अवलंबन से ही प्रभावों का परिहार होता है, और आत्मस्वरूप के अवलंबन से प्रभावों का परिहार होता ही है। ज्ञान स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से, अवलंबन से, श्रद्धान से, ज्ञान से, भावना से ये अज्ञान मिटता ही है। नहीं मिटे ऐसा नहीं हो सकता। सही हो या प्राप्ति स्वरूप यो ही जान रहे, होगी होगी प्राप्ति। कौन ऐसा है जिसका बोध बोध रूप परिणम, ज्ञान ज्ञान रूप परिणम इतना हो जाए, सम्यक ज्ञान हो तो रक्षा करने में किसकी रक्षा कर रहे हो आप, और किसकी रक्षा करना चाहिए? सोने की जवाहरात की तो रक्षा मत करो, और मट्टी कूड़े की रक्षा करते फिरो डंडा लेके बैठ जाओ वहां, क्या कर रहे? अपने रत्नत्र की तो रक्षा नहीं करो, और संपदा की रक्षा में लगे रहो पागल से, संयोगों की रक्षा में लगे रहो, शरीर की रक्षा में लगे रहो, कैसे रक्षा होगी तुम्हारी? रक्षा करने से पहले भी, संकल्प करने से पहले भी ये तो सोचो रक्षा किसकी करनी है। अपनी विनय गुण की रक्षा करो, अपनी मार्दव सर आर्जव गुण की रक्षा करो, हो गया रक्षाबंधन पर। रक्षा करने योग्य क्या है और उसको असुरक्षा क्या है ये बताओ पहले। तुम्हारे मोह के कारण, तुम्हारे दुर्विकल्पों के कारण ही तुम भटकते फिर रहे हो। मोह और दुर्विकल्प मिटे तो रक्षा ही तो है। छोटा सा भी नियम हो बड़ी अच्छी तरह उसकी रक्षा करना। कितने उपसर्ग आते हैं, कितने भय दिखाते हैं, कितने भयासा स्नेह लोभाश्चय कुदेवागम लिंगनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यात् शुद्ध दृष्टया। शुद्ध दृष्टि, भय से भयभीत होकर के नहीं, आशा से नहीं, लोभ से नहीं, स्नेह से नहीं, ये विकारी भाव है, इनसे ही तो रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है।
हमारी साधुजन जंगल में गए, नगर के लोगों से डरे, परिवार के लोगों से डरे, वहां से तो हटे और जंगल में से हाथी चीता कर सब जानवर उनसे नहीं डरे। अरे वे खाएंगे शरीर को और ये खाएंगे हमारे परिणामों को। मोह बढ़े परिवार की संगत वहां बढ़ेगा मोह। रक्षा चाहते हो तो सुनो, एक बढ़िया लाइन आपने पढ़ी होगी, धन की रक्षा अगर मंजूर धनवानो, हे धनवानो अगर तुम्हें धन की रक्षा मंजूर है तो तुम धन का दान करना सीखो। धन का दान, दान माने योग्य पात्रों को योग्य भाव से योग्य विधि से, भाव भी योग्य होना चाहिए, विधि भी योग्य होना चाहिए। ले जे खा लियो, आप खा लियो, अरे हम तो खाते ही रहते हैं, तो कब ये भूखन मर रहे। एक सच्ची घटना है, कौन इंस्पेक्टर था तो वो आया, वो भी जैन था, सो बस आकर के जैन सो उसने कुछ नाश्ता पानी दिया, सो लड़का था उसने बेटा आप भी खाओ, हम तो खाते ही रहते हैं। उसको बुरा लग गया, नहीं तुम खाते हो तो हमका भूखन रहते। माने विधि का भी महत्व है, कैसे देना चाहिए। औषधि में अनपान का विधि का कितना महत्व है बताओ। जिन वचन किस भी चीज कैसे सुने जाते हैं, कैसे लिया जाता है, किसी से लेना हो तो, किसी को देना हो तो कैसे दिया जाता है, चाहे वो आहार हो, चाहे औषधि हो, चाहे अवय हो और चाहे ज्ञान हो, कैसे दिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा बताओ। हमराज को औषधि देना है, महाराज ये दवाई ले आया आपके लिए, ऐसे लेंगे भी। अरे उनके योग्य औषधि आहार के साथ चर्या के साथ में देनी होगी आपको, ऐसे नहीं लेंगे वो। ये हम तो गए थे, वे कुछ बोले ही नहीं, उन्हें कुछ कही नहीं, वे कहेंगे का। जो इसकी रक्षा करनी हो आप दान करना सीखो, अपने आप रक्षा हो गई, सीमा में रखना सीखो, सीमा में भीतर बोल। अपनी प्रशंसा अपने आप कभी मत करो, लुट जाओगे बर्बाद हो जाओगे। गुप्तियों का पालन, समतियों का पालन, व्रतों का पालन, ये सब अपने परिणामों की वितराग भाव की रक्षा सुरक्षा के लिए ही है, वृद्धि के लिए है। विचार बिना अनुशासन में रह करके, बिना सीमा में आए हुए, बिना मर्यादा में करे हुए जो रक्षा चाहता है, कैसी रक्षा करोगे। किवाड़ लगाते हो, ताला लगाते हो, वहां चौकीदार और बैठाते हो, कोई घुसने जा, और यहां कछु नहीं, न गुप्ती न समती न व्रत, वैसे ही रक्षा हो जाएगी। यारी दोस्ती में बैठ करके कितने कुसंग सीख जाते हैं, खाए वो सीख गए यार, कैसे सीख गए बोलो, घर में कोई खात नहीं तुम कैसे सीख गए, वो पुड़िया खाए वो कैसे सीख गए, तुम तो तुम्हारे घर में कोई खाते ही नहीं, वो क्या घर में थोड़ी सीखे हैं। अरे ले ले ले, ले। नियम ही नहीं, नियम नहीं हो तो सुरक्षा है, नियम नहीं हो तो सुरक्षा का कैसे होगी बताओ। विचारना विचारना, निर्णय भी करना और उसकी श्रद्धा और आचरण भी करना, बारंबार भावना करना, यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है, यही तत्व है, दूसरा तत्व नहीं है भाई। ओम नमः। निज निधि निज में बताई
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मां।